प्रोसीजर को जो नाइंसाफी पर फॉर्ज पर मबनी है, जो रूल्स के खिलाफ ये पूरा सिस्टम रहा है, इसको वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल खत्म करने के लिए हमारी ये पिटिशन्स अदालतों के अंदर जाएंगी। और हम इस यकीन से ये जंग लड़ रहे हैं, इस यकीन से लड़ रहे हैं, और अदालती कार्रवाई के अंदर वकला ने हमें यकीन दिलाया है कि हमारा केस बहुत मजबूत है, हमारे केस के अंदर बहुत जान है। तो इंशाल्लाह कई बच्चे हमसे पूछते हैं जी कोई उम्मीद, सारा दिन जो मैसेज करते हैं, उन अपने बहनों और भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उम्मीद ना हो तो जिंदगी खत्म हो जाती है, उम्मीद ना हो तो हम ये एफर्ट ना करें। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर हम भी बैठे हुए हैं। देखें हम जिद्दोजहद और कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट अल्लाह पाक ने देना, और अल्लाह पाक नाइंसाफी को पसंद नहीं करता। हाँ, नाइंसाफी करने वालों को कभी कभी थोड़ी ढील दे देता है, कभी कभी थोड़ी ढील दे देता है, लेकिन जब अल्लाह पाक उनकी रस्सी को खींचता है तो उनको निशाने इबरत बना देता है। ये जिन्होंने नाइंसाफियां की हैं, इंशाल्लाह ये निशाने इबरत बनेंगे, ये जहन के अंदर रखें। मैं भी देखूंगा और आप लोग भी देखेंगे। तो ये आज का दिन बहुत भारी था, और अगले आने वाले दिन भी इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर भारी होंगे। ये अदालतों को मुतमईन नहीं कर सकेंगे, हमने आज इनको देख लिया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब आप सीटों पे बैठे होते हैं, हम आपसे इंसाफ मांगते रहे, आपने इंसाफ नहीं दिया। अब तैयारी करके अदालतों के अंदर आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ अदालतों से होता नजर आ रहा है, और मेरे अल्लाह के फजल व करम से और हम सब की दुआओं से इंशाल्लाह ताला मुकम्मल इंसाफ मिलेगा, और रिकंडक्ट का नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह।